विधानसभा उपचुनाव 2024 का बिगुल जब से बजा है तब से लेकर आज मतगणना तक चुनावी महकमे में गर्मा गर्मी बनी रही। आज मतगणना हुई जिसमें नसीम सोलंकी ने जीत दर्ज करी। भाजपा के सुरेश अवस्थी दूसरे स्थान पर रहे। इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क के पृष्ठ पर उन्होंने कहा कि लोगों की दुआओं और आशीर्वाद से जीत गए हैं, दोबारा मंदिर जाएंगे, वो मेरे अपने हैं। आइए सुनते हैं खुद नसीम सोलंकी की जुबानी। समाजवादी पार्टी के लिए यह बड़ी जीत है क्योंकि कानपुर नगर की सबसे अहम सीट मानी जाती है सीसा माऊ विधानसभा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने दशक से जीत हासिल नहीं करी है। अब देखने वाली बात होगी कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयारी से उतरेगी। उनकी दुआएं, उनके आशीर्वाद, और जिन्होंने वोट नहीं दिया उन्होंने मुझे दुआएं दी, तो आज मैं आऊँ आप लोगों के सामने। बहुत शुक्रिया। एक जीत की अगर वजह मिले, क्या वजह आपके सामने जो आपको जीत की? मेरा हर तरह से जो विधायक जी के अंदर है वो भी खूब दुआ कर रहे हैं हम लोगों के लिए और मेरे लिए तो खास कर ही रहे हैं। फिर उसके बाद जो इतने सालों से जो मेरा परिवार जुड़ा है वो भी एक बहुत बड़ी वजह रही है कि परिवार ने कभी नहीं छोड़ा था। जो सीता मुझे जनता है उन्होंने कभी इरफान सोलंकी को नहीं नकारा था, आज उन्होंने साबित कर दिया कि इरफान उनका था और वो जिस तरह मंदिर गई थी उसके बाद के लोगों का काफी आलसी जी काफी मंदिर गई लगता बाबा का आशीर्वाद मिला कि नहीं मिला? मिला हर जगह मिला मुझे जो है दुआएं मिली, मुझे आशीर्वाद मिला। जब भी आज आप दोबारा जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है ना, मेरे अपने हैं जो उनको खुशी होती है उनके साथ। एक आखिरी सवाल, अब जीत के बाद क्या करेंगे, क्या प्लान है, कहाँ जाना है? बहुत सारे काम है अब करना, अब शुरुआत करना है। अब काम शुरू करना है। दो साल तो हमने बहुत मेहनत करी है दूसरे तरीके से, पर अब मेरा जो परिवार है उनके लिए कल आप जाएंगे। इंडिया लाइव टीवी मीडिया नेटवर्क से दिव्यांशी यादव की रिपोर्ट।